सचिन हिंदूराव वाजे, एक ऐसा नाम जो पिछले कई दिनों से खबरों में है। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जब एक सस्पिशियस एसयूवी स्पॉट होती है, उसके बाद से इस नाम को अलग अलग तरीके से यूज किया गया और अलग अलग एंगल्स स्टोरी में निकल कर आए। लेकिन सचिन वाजे है कौन, ये मामला क्या है, सचिन वाजे को अरेस्ट किस वजह से किया गया है, चंद मिनट दीजिए और इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा नाम है अरुण सिंह, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, सचिन वाजे है कौन। 1990 में इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन की, गढ़चिरौली में इनकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद ये थाने पुलिस में शिफ्ट हुए एंड देन ही गॉट शिफ्टेड टू मुंबई क्राइम ब्रांच। इन द इयर्स दैट फॉलोड, 5 ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर था, उनमें से एक थे वाजे भी। और इन अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने लगभग 600 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया। वाजे वॉज इम्प्लिकेटेड इन द अलेज्ड कस्टोडियल डेथ ऑफ ख्वाजा यूनिस, अ 2002 घाटकोपर ब्लास्ट अक्यूज्ड, अ केस व्हिच हैज बीन हेल्ड अप सिंस 2018। इन 2007 वाजे क्विट द फोर्स आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन एंड सब्सिक्वेंटली जॉइंड द शिवसेना। And after a long hiatus, last year in June 2020, Vaze returned to the police force. अब इसके बाद उन्होंने कई high profile cases handle किए, जैसे रितिक रोशन fake email case, या fake social media followers case, a TRP scam, and he also headed the team that arrested अर्णब गोस्वामी इन अन्वे नायक केस। अब वापस आ जाते हैं साल 2021 में, बात करते हैं एंटेलिया बॉम्ब स्केयर केस के बारे में। 25 फरवरी 2021 एंटेलिया मुकेश अंबानी का घर, उसके बाहर एक सस्पिशियस एसयूवी पार्क नजर आती है जिसमें होते हैं एक्सप्लोजिव्स और साथ ही साथ थ्रेटनिंग लेटर टू द अंबानी फैमिली। सीसीटीवी फुटेज रिवील करते हैं कि ये गाड़ी विच इज स्कॉर्पियो एक रात पहले ही वहां पर पार्क होती है, और जब वो पार्क करने शख्स आता है तो कुछ घंटे उस गाड़ी में बैठकर साथ आई हुई इनोवा में वापस चला जाता है। तो वाजे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे और ही वाज लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो वहां बाहर नजर आई वो थाने बेस्ड बिजनेसमैन मनसुख हिरण की थी एंड ही हैड रिपोर्टेड इट स्टोलन ऑन फरवरी 17। अब यहां से केस में आए कई ट्विस्ट और टर्न्स। महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनसुख हिरण जिनकी वो गाड़ी थी उनके लिंक्स वजह से हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कई कॉल रिकॉर्ड्स भी प्रेजेंट की और कहा ये दोनों टच में थे। जिस दिन ये एलिगेशन सामने आने लगे उसी दिन पता चलता है कि हिरण की मौत हो चुकी है। ही वाज फाउंड डेड एट मुमरा क्रीक। और वहीं हिरण की वाइफ ने कहा कि वजे और हिरण एक दूसरे को जानते थे, और वहीं वो स्कॉर्पियो जो एंटेलिया के बाहर मिली थी उसे वजे ही इस्तेमाल कर रहे थे 4 महीनों से, और 5 फरवरी को उन्होंने स्कॉर्पियो को आके रिटर्न किया था हिरण को। शी ऑल्सो सेड कि उनके पति की मौत में वजे का ही हाथ है। मर्डर का केस लॉन्च किया जाता है और महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मार्च 8 को वजे को काफी घंटों के लिए इंटेरोगेट किया। अब इसके बाद पॉलिटिक्स में भी हलचल होने लगी क्योंकि ऑपोजिशन के कई मेंबर्स ने वजे के शिवसेना के साथ लिंक्स को उछालना शुरू कर दिया। ये देखते हुए उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से वजे को हटाया और उन्हें शिफ्ट किया सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में, और साथ ही साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन से भी हटा दिया। 13 मार्च को सेंटर की एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वजे को अरेस्ट किया और वहीं उन्हें सरकार ने भी उनकी सर्विसेज से हटा दिया। अभी तक आपको लग रहा था कि इस केस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, तो एक और ट्विस्ट की बात करनी अभी बाकी है जो तब आया जब फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लेटर लिखा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को। ही अक्यूज्ड होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ऑफ आस्किंग वजे टू कलेक्ट 100 करोड़ रुपीज अ मंथ फ्रॉम हुक्का पार्लर्स एंड बार्स। तो एक केस जो शुरू हुआ था एक एसयूवी से, वो अब जाकर ऐसी जगह पर आ चुका है जहां पर महाराष्ट्र की महाविकास अगाड़ी सरकार इस वक्त थोड़ी सी बौखलाई जरूर है। दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है अरुण सिंह, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।